अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं जेपीटी के जिरगा पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन, जिनकी वजह से आज ये रानाइयां लगी हुई हैं। तो इनसे हम कुछ सवालात हैं जो हमारे भी हैं और आवाम के भी हैं, वो जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ लेकिन आवाम नहीं जानती, तो आपका पूरा तारफ जरा हो जाए। मेरा नाम इफ्तिखार आलम है और हम इसी इलाके से तल्लक रखते हैं उत्ती से। इनफैक्ट हम इस वक्त इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं। तो इफ्तिखार भाई, ये जो जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट है, मैं चाहूंगा कि ये कैसे वजूद में आया, आपके जहन में आइडियाज कैसे आए और क्या बना और कैसे यहाँ तक पहुंचा इसका सफर? इसके लिए ऐसे है कि इनफैक्ट हम बहुत सारे दोस्त हैं और यहाँ से फसूल रिस्क के लिए हम यहाँ शहर से बाहर गए हुए हैं, पंजाब में, कुछ पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो ये जो मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हम दोस्त हैं और हम ख्याल दोस्त, इनमें से हम 16 दोस्तों ने इस तंजीम की और इसकी बुनियाद रखी माशाल्लाह। और ये सब जो दोस्त हैं ये अपने लेवल पे पिछले कोई 10-15 सालों से काम अपने इलाके की फलाह के लिए कर रहे थे, लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हम वो जो अपने इंफरादी लेवल पे काम करते थे वो इज्तमाही लेवल पे अब करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका एक हिस्सा है। और वो 16 दोस्त जो हैं उनमें से हमारे 6 दोस्त जो हैं पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जिनमें से हम 5-6 दोस्त यहाँ से इस इलाके से भी बाहर हैं और 3-4 दोस्त जो हैं वो यहाँ पे मुकामी सतह पे अवेलेबल हैं। तो ग्राउंड वर्क वो करते हैं, हम लोग अपने लेवल पे करते हैं, ये अपनी मदद आप कर रहे थे, ये एनजीओ की तरह काम नहीं करता कुछ, ये हम अपनी पॉकेट से सब दोस्त जो हैं इकट्ठा करके और हर मंथ में हमने प्लान किए हुए एक कैलेंडर बनाया हुआ जो 7 एरिया फोकस हैं उन पे हमने काम करना है, जिसमें एजुकेशन है, स्पोर्ट है, एनवायरमेंट है, वाटर एंड सैनिटेशन है, पीस है, उसमें जॉब्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले एक महीने में कोई 10 के करीब बच्चों को जॉब्स। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके जहन में ये पहला इवेंट जो है क्रिकेट का ही क्यों आया? इनफैक्ट जी बात यह है कि अगर हमारी जो जनरेशन है आने वाली ये हेल्थी होगी, एक्टिव होगी, तो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। फिर हमें एजुकेशन में भी ये बच्चे अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, हेल्थ की भी इनकी है, फिटनेस होगी तो हेल्थ के इश्यूज भी नहीं आएंगे। और इनफैक्ट इस वक्त हमारे इलाके की डिमांड भी थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का भी जो है यही विजन है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले इसी इवेंट की तरफ। जबरदस्त जी, थैंक यू सर। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपका जो जेपीटी का जिरगा पाकिस्तान ट्रस्ट का मोटिव क्या है? इनफैक्ट मैं एक लाइन में जरूर बता दूंगा, हम चाहते हैं हम अपने वसाइल से अपने मसाइल का हल निकालें। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच।